आज हमारे पास है इन्फिनिक्स के दो स्मार्टफोन। पहला हमारे पास इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन और दूसरा हमारे पास है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन, जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से अभी न्यू लॉन्च हुआ है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले इन दोनों स्मार्टफोन में जूमिंग कंपेरिजन। दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और उसी से इन दोनों का जो है जूमिंग कंपेरिजन करेंगे कि भाई 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा आपको कैसी क्वालिटी देता है जूमिंग के मामले में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू कूल ऑप्शनल डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास है एक तरफ इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन और दोस्तों दूसरी तरफ हमारे पास है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन, जो कि न्यू लॉन्च हुआ है। और दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल के कैमरे मिल जाते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है इन दोनों स्मार्टफोन की जो है जूमिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, जूमिंग क्वालिटी कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन की जूमिंग क्वालिटी आपको सबसे अच्छी मिलती है, सबसे शानदार मिलती है। यहाँ पर देखिए हमने कैमरा ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में जो है आपको 10x तक की जूमिंग मिलेगी और हम 10x तक की जूमिंग तक जो है क्वालिटी कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं यहाँ पर 1x की जूमिंग में फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर क्वालिटी आपको बताऊँगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे और जूमिंग आपको कौन से मोड में मिलती है, किस किस मोड में मिलती है, वो भी कंपेरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने 2.5x की जूमिंग में भी फोटो क्लिक कर लिए। अब डायरेक्ट यहाँ पर 5x की जूमिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 5x की जूमिंग में हमने यहाँ पर फोटो क्लिक कर लिए बिगर AI के। अब AI भी हमने यहाँ पर ऑन कर लिया है, AI ऑन करके यहाँ पर जो है फोटोज़ क्लिक कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम धीरे से यहाँ पर जूमिंग और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 7x की जूमिंग में फोटोज़ क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर आपको बताऊँ, हमारी जो क्वालिटी है जूमिंग में धीरे धीरे जो है हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन है उसमें थोड़ी डाउन जा रही है क्वालिटी, बट हमारा जो इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन है उसमें क्वालिटी अभी भी जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। हमने फाइनली 10x की जूमिंग में जो है फोटोज़ क्लिक कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए अब AI यहाँ पर जो है ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर जो है AI ऑन करके भी फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए AI ऑन करके भी हमने फोटोज़ क्लिक कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करें तो AI की फोटोज़ आप देख सकते हैं और बिना AI कि देख सकते हैं, ये हमारी 10x में थी, ये हमारी 7x की फोटोज़ थी, ये 6x की फोटोज़ थी और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1x की फ़ोटो थी। तो आप यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन देख ही सकते हैं कि किस स्मार्टफोन में आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है। दोस्तों ये जो मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ, ये जो सारी फ़ोटोज़ है आपको नीचे गूगल ड्राइव लिंक में जो है आपको सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, आप ओरिजिनल क्वालिटी में जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए और बताऊँ, वीडियो मोड में आ जाते हैं, वीडियो मोड में भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं जूमिंग की कि भाई किस आपकी जूमिंग में जो है नॉइज़ ऐड होती है, कितने जूमिंग तक आपकी नॉइज़ ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ पर वीडियो ऑन करके जो है धीरे 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 यहाँ पर जूमिंग बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो में क्या करता हूँ ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर धीरे जो है धीरे धीरे से हम यहाँ पर जो जूमिंग बढ़ाते जाएंगे और 10x तक की जूमिंग पर जो है यहाँ पर आ जाएंगे और आपको बताएंगे कि हाँ भाई किस कहाँ तक जो है हमारी जूमिंग में नॉइस ऐड हो रही। तो यहाँ पर देखिए वीडियो हमने यहाँ पर ऑन कर दिए इस स्मार्टफोन में, इसमें भी कर देते हैं। अब दोनों में यहाँ पर जो है जूमिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2x जूमिंग कर ली, इसमें भी जो है हम 2x जूमिंग कर लेते हैं हमारे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G में। यहाँ पर हमने 5x जूमिंग कर ली, इसमें भी 5x जूमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5x जूमिंग कर लेते हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी हमारे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन में ही अभी सही आ रही है, काफ़ी अच्छी आ रही है। हमने फुल 10x कर ली तो अभी भी जो है उसमें भी अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर भी 10x कर लेते फुल, ये 7x पे आ गए हैं, यहाँ पर देखिए 7x पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे और बढ़ाते तो यहाँ पर देखिए 10x में। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हल्की सी नॉइज़ यहाँ पर आ रही है हमारे इन्फिनिक्स नोट 35G इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन में, और हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन है उसमें जो है ज़्यादा नॉइज़ नहीं आ रही है, काफ़ी क्लियरिटी भी आ रही है और जो कलर्स हैं उसके कलर्स भी हमें जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, ये सारी वीडियोज़ में जो सारे फोटोज़ हैं सारे वीडियोज़ हैं गूगल ड्राइव लिंक में दे दूँगा, लिंक
लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ओरिजिनल क्वालिटी में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और कई सारे फोटोज़ भी लिए थे, वो भी आप जो है ओरिजिनल क्वालिटी में जाकर देख सकते हैं। दो लिंक आपको मिल जाएंगी, एक इन्फिनिक्स नोट 35G की, एक आपको मिलेगी इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G की। तो यहाँ पर आप क्वालिटी देख ही सकते हैं, क्वालिटी हमारे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन में अच्छी आ रही है मेरे हिसाब से, अभी मैं बताऊँ। अब यहाँ पर ब्यूटी मोड में देखिए, आपको ये ब्यूटी मोड में 10x की जूमिंग मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको ब्यूटी मोड नहीं मिलता आपके इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन में। यहाँ पर पोर्ट्रेट की बात करें तो आपका जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन है उसमें आपको पोर्ट्रेट वाले सेक्शन में जो यहाँ पर जूमिंग नहीं मिलती, आपका जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन है उसमें आपको जो 2x तक की जूमिंग मिल जाती है आपके पोर्ट्रेट वाले सेक्शन में, तो आप वहाँ से जो है फोटो क्लिक कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी अभी भी जो है यहाँ पर हमारे इन्फिनिक्स नोट 35G ने बुरी नहीं खींची, अच्छी आ रही है, बट हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन है उसमें ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ रही है। जूमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपकी स्लो मोशन वीडियो में जो यहाँ पर जूमिंग आपकी इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन में 2x की जूमिंग मिलती है, और आपको जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन है उसमें 3x की जूमिंग मिलती है आपके स्लो मोशन वीडियो वाले सेक्शन में। यहाँ पर बात करें सुपर नाइट के कैमरे की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में 10x की जूमिंग मिल जाती है सुपर नाइट के मोड में। यहाँ पर वो फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप फोटोज़ देख सकते हैं। फोटोज़ की क्वालिटी की बात करूँ, हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन है वो भी अच्छे फोटो क्लिक कर रहा है, बट यहाँ पर हाई लेवल की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। जूमिंग में भी बात करूँ तो जूमिंग में काफ़ी अच्छी फोटोज़ क्वालिटी देखने को मिल रही है हमारे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन में। यहाँ तक कि हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन है उसमें आपकी नॉइस एड हो जा रही है, बट कम हो रही है, इतनी नहीं हो रही है। वहीं आपके कंपेरिजन में बात करूँ तो हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकाल कर आपको दे रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं अपना जो रिव्यू दूँ तो हमारे जो इन्फिनिक्स नोट 35G के हिसाब से हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन है वो काफ़ी अच्छी फोटोज़ क्वालिटी निकाल कर आपको दे रहा है। और यहाँ पर प्राइस के हिसाब से ही बात करूँ, यहाँ पर हमारा इन्फिनिक्स नोट 35G भी प्राइस के हिसाब से बढ़िया है, और हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन है वो भी प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया फोटो क्लिक करके हमें दे रहा है। दोस्तों आपको कैसी लगी इन दोनों स्मार्टफोन की जूमिंग क्वालिटी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मैं अपना ओपिनियन हूँ तो हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G रेसिंग एडिशन स्मार्टफोन था इसमें हमारी जूमिंग क्वालिटी काफी अच्छी थी, क्योंकि इसमें जूमिंग क्वालिटी हमारी जो है इसमें ज्यादा नॉइस एड नहीं हुई, नॉइस कम ही एड हुई थी, बट क्वालिटी जो है थोड़ी अच्छी आ रही थी इसके मुकाबले। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।